कितनी खूबसूरत जगह में, कितनी वाइल्डरनेस में ये चर्च बनी हुई है। वेलकम टू हिमालय टी शॉप धर्मकोट। तिरुंड के बिल्कुल नीचे ही कैंपिंग करेंगे और सुबह जल्दी तिरुंड के लिए निकल जाएंगे। राइट को बता रहे हैं, राइट को खड़े होके चलाते हुए, और अब आपका भाई भी खड़े होके करेगा ऑफ रोडिंग। ये भाई, ये वाह, मजा आ गया। बुरा, कुछ ज्यादा ही बुरा फंस गए। हिमाचल में ब्यूटीफुल टेंपल, मंदिर ब्यूटीफुल, और जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट जो है वो जगह जगह पे मंदिर मिलेंगे। इसीलिए हिमाचल को जो है वो देव भूमि के नाम से जाना जाता है। अगर कैमरे में शो हो रहा है तो वो सामने हिल्स देखिए, बिल्कुल स्नो से ढकी पड़ी हैं, और हम काफ़ी ऊंचाई पे ट्रैक करने वाले हैं आज। और बने रहिए हमारे साथ। मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है वो स्किप करके कहीं आगे मत चले जाइए, कोई और वीडियो मत देखना शुरू कर दें। तो दैट्स वाई ये वो पार्क, इस पार्क का जो है ओवरव्यू मैं आपको बता चुका हूँ। इस पार्क का व्यू पॉइंट बड़ा अच्छा है, और जब भी आप पठानकोट से धर्मशाला की ओर जाते हो जो पार्क रास्ते में आती है, ब्रिगेडियर शेरजंग थापा MVC जो कि हीरो हैं स्कॉर्डो इंडो पार्क 1947-48 में, उनके नाम से जो है पार्क बनाई गई है। तो अगर आपने इस पार्क के बारे में अभी तक नहीं वीडियो देखी है तो इस साइड पे लिंक शो हो रहा होगा, तो उसको क्लिक कीजिए और इस पार्क के बारे में देखिए। अगर आप कुछ रिलैक्स होना चाहते हो तो आप थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए पार्क में जाके अपनी आँखों को सहला सकते हो, खाना वाना खा सकते हो, जूस वूस पी सकते हो, और अपनी पिक्चर्स वगैरह, फैमिली पिक्चर्स वगैरह फ्रेंड्स के साथ जो है वो क्लिक कर सकते हो। बड़ी अच्छी पार्क है। तो गाइस, त्रिवंड के रास्ते में जाते जाते रास्ते में जो है वो रुके हैं हम दोनों भाई, और थोड़ा सा रास्ता रह गया है, और उसके बाद जो है ट्रैकिंग चाय पे हो जाएगी। चाय भी मिलेंगी, खाने भी मिलेंगे। रात को जो है वो कैंपिंग में क्या बना रहे हैं रानी भाई, मैं तो नहीं बनाऊंगा, देखिएगा। तो चलिए मंजिल की तरफ निकलते हैं। बाय। तो गैस, ऐसा है कि हनी आया फर्स्ट टाइम मेरे साथ, और मेरे पीछे है वो हिस्टोरिकल चर्च जिसको देखने के लिए दूर दूर से जो है वो लोग आते हैं। तो गैस, मैंने जो हिस्टोरिकल चर्च है जो पठानकोट से धर्मशाला के रास्ते में आती है, इसका जो मैंने व्लॉग है वो ऑलरेडी बना चुका हूँ, और ऊपर जहाँ पे साइड पे जो आई ब्लॉक होता है उसमें लिंक आ रहा होगा वीडियो का, लिंक को करें क्लिक और देखें पूरी वीडियो। उसमें आपको पता लग जाएगा चर्च की पूरी हिस्ट्री, चर्च कब से बनी है, किसने बनाई है, क्यों बनाई है और कैसे बनी थी। और मैं आपको देता हूँ चर्च का एक अपने जूम वाले कैमरे से दूर से ही ओवरव्यू, और देखिए कितनी खूबसूरत जगह में, कितनी वाइल्डरनेस में ये चर्च बनी हुई है। और मेरे पीछे देखिए, ओहो ऑसम। वैसे कुछ अपनी बाइक्स लगी हुई हैं भाई, ये देखिए भाई शूट कर रहा है चर्च की, जो भी उसने शूट करना था अपने व्लॉग के लिए। तो 16 डिग्री टेम्परेचर, 1:30 बज चुका है, और बाकी जो भी ट्रिप पे भी है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का सफ़र। गाइस मेरे साथ बने रहें और खूबसूरती देखें हिमाचल की। वाह वाह, और ठंड लगनी जो है वो दोबारा से चालू।
और ये है गाइस मैकलो का मेन चौक, मैकलोडगंज का जो मेन चौक है। देखिए अच्छे खासे टूरिस्ट आए पड़े हैं, कुछ जा रहे हैं कुछ आ रहे हैं गाइस। वो है मैकलो रेस्टोरेंट, 190 ईयर्स का रेस्टोरेंट और ऐसा कुछ सीन है। जहाँ से अब हो जाएंगे दो रास्ते, जो नीचे वाला रास्ता है वो जा रहा है वाटरफॉल की तरफ। वाटरफॉल की वीडियो भी हमारे चैनल पे बन चुकी है ऑलरेडी, अगर आप देखना चाहते हो तो ऊपर जो लिंक आ रहा है उसके ऊपर क्लिक कीजिए और देखिए बागसू वाटरफॉल का फुल ब्लॉग। ऊपर 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 ये रास्ता है मैकलो का, बागसू नाग का, और ऊपर और ये जो ऊपर रास्ता जा रहा है ये जा रहा है धर्मकोट, जहाँ से हम करेंगे अपनी त्रिरंड की ट्रैकिंग शुरू। जहाँ से रह जाता है ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर धर्मकोट। और धर्मकोट के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये है एक फॉरनर हब। जितने भी फॉरनर्स आते हैं वो इस धर्मकोट में जो है वो आके रहते हैं एक एक महीने दो दो महीने के लिए, और जहाँ पे उनको घर मिल जाता है पूरा रेंट पे रहने के लिए। अभी लॉकडाउन की वजह से जो है वो टूरिस्ट यहाँ पे फॉरनर्स हैं वो आपको कम ही दिखेंगे। और जहाँ पे जो कैफ़े हैं वो काफ़ी वर्ल्ड फेमस कैफ़े हैं जहाँ धर्मकोट में, तो ब्यूटीफुल जगह एक्सप्लोर करते हैं, अगर टाइम मिला तो इसको प्रॉपर एक्सप्लोर करेंगे। तो गैस फाइनली जो है वो हिमाचल प्रदेश के धर्मकोट में हम पहुंच चुके हैं। ये रास्ता आता है धर्मकोट, आने के लिए आपको सबसे पहले पठानकोट आना होगा और पठानकोट से जो है आपको मैकलो धर्मशाला वाला रास्ता पकड़ना होगा। वहां से दो रास्ते जाते हैं, एक रास्ता जाता है बागसू नाग वाटरफॉल की तरफ और दूसरा रास्ता जो है वो ऊपर आता है धर्मकोट की तरफ, जहाँ से शुरू होती है त्रिरंड की ट्रैकिंग जो कि वर्ल्ड फेमस है। और अभी मैं गैस खड़ा हूँ इस टाइम धर्मकोट की जो मेन चौक है वहाँ पर, और आप जो है वो मेरे पीछे देख सकते हो एक छोटा सा टी स्टॉल है जहाँ पे अभी थोड़ी बहुत चाय वगैरह पी है हमने। और आगे का जो रास्ता है वो भी आपको बिल्कुल ए टू जेड बताऊंगा, मेरे साथ बने रहें गाइस। वेलकम टू हिमालय टी शॉप धर्मकोट। तो चलिए टी शॉप के अंदर चलते हैं, दिखाता हूँ आपको ये जो अनसीन अनएक्सप्लोर्ड जो विलेज होते हैं। देखिए पूरे का पूरा एक मॉल टाइप बना रखा है अंकल ने, कोल्ड ड्रिंक्स हर चीज़ आपको अवेलेबल मिलेगी अंकल के पास। और जी हैं जी हमारे अंकल जी, क्या नाम है अंकल आपका? जगदीश जी। जगदीश, कितनी देर से शॉप कर रहे हो आप? 1970 से। 70 साल से इसी जगह पे शॉप? जी जी। तब आपकी उम्र क्या थी? मेरी थी कोई 7-8 साल। और अभी कितनी है? अभी तो 68। ओ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखिए अंकल बड़े, अंकल ने बड़ी हेल्प की है हमको रास्ता बताने की, और जहाँ पे जो भी देखने वाली चीज़ें हैं जो भी डेस्टिनेशन हैं वो सब के बारे में अंकल ने बताया, तो थैंक यू अंकल। ऊपर बादलों का नज़ारा और चौक से जे वाला जो रास्ता है जे जा रहा है त्रिरंड की ओर। जो इसकी सीनरी है उसका मैं थोड़ा सा आपको सिनेमैटिक मोड में जूम करके कुछ सीन बताता हूँ। तो चलिए गाइस मैगी वैगी हो चुकी है, चाय पानी हो चुका है गलू। तो जहाँ पे एक डेस्टिनेशन है बड़ी अच्छी गलू व्यू करके वहाँ तक जाएंगे और वहाँ पर देखते हैं जाके कैंपिंग का क्या माहौल है, क्योंकि अभी हो चुका है टाइम कुछ ज़्यादा। और त्रिरंड में जो कैंपिंग होती है ना उसका टाइम है 11 बजे से पहले पहले भाई साहब ऊपर जाओ, और उसके बाद में आप ऊपर नहीं जा सकते। तो त्रिरंड के बिल्कुल नीचे ही कैंपिंग करेंगे और सुबह जल्दी त्रिरंड के लिए निकल जाएंगे। तो नाम दिमाग में रखें घलू व्यू, और वहाँ पे हमने मिलना है विजय भाई से ऑफ रोडिंग अच्छी खासी।
देखिए भाई साहब, जहाँ पे बिल्कुल ध्यान से बाइक चलाने की जो है वो ज़रूरत है। तो चलिए देखिए ऑफ रोडिंग भाई साहब। ओ भाई, तो गाइस यही होता है भाई साहब एडवेंचर, और यही होता है असली एक्सप्लोर करना किसी प्लेस को। जिस प्लेस पे आप कभी गए नहीं हो उसको अच्छी तरह से एक्सप्लोर करो, और अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं, अपने दर्शक हैं जो, उनको बताओ। तो देखिए गाइस, छोटा सा ट्रैक है ऑफ रोड, और नीचे जो है वो गहरी गहरी खड्डे, और ऊपर देवदार चील के बड़े बड़े लंबे लंबे वृक्ष। हिमालयन पे ऑफ रोडिंग इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क एक्चुअली, तो बड़ी इजीली पत्थरों के ऊपर से निकलता जाता है हिमालयन, तो मज़ा आता है हिमालयन को चलाने में। दुनिया की भीड़ से दूर, मुश्किलों से दूर, टेंशनों से दूर, दिक्कतों से दूर, ट्रैफिक से दूर, पोल्यूशन से दूर, हम आए हुए हैं हिमाचल प्रदेश के एक अनएक्सप्लोर्ड प्लेस पे, घलू व्यू, जिसके बाद सुबह आपको दिखाएंगे त्रिवंड व्यू। ओ भाई साहब क्या कहने हैं, वाह, पैसा वसूल, पैसा वसूल। अगर जहाँ पे हमारी कैंपिंग हो गई ना, तो भाई साहब बस समझ लीजिए कि लॉटरी लग गई हमारी। तो पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है ओम ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जहाँ पे तो बिल्कुल सूर्य की जो किरणें हैं ना, सनलाइट आनी बंद हो चुकी है, और घने जंगल में अब देखिए, ओए होए 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 भाई साहब, जी होता है जंगल, क्या बात है। अभी घलू पॉइंट जो है वो इस साइड है, जहाँ किस साइड है घलू पॉइंट, राइट को बता रहे हैं, राइट को, तो राइट को ही आना चाहिए। और जे हनी की KTM खड़े होके चलाते हुए, और अब आपका भाई भी खड़े होके करेगा ऑफ रोडिंग। ये भाई, ये वाह, मजा आ गया। ओए होए 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 होए, ये होता है असली एडवेंचर गाइस। ओए होए 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 भाई भाई, देखिए खड़े होके जो चलाने में एडवेंचर है ना भाई, किसी चीज़ में नहीं है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, क्या रोड है भाई साहब, फुल फ्लश जो है ना, ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग हो रही है। और ऐसा मज़ा मुझे नहीं लगता कि आप किसी किसी भी जो है सिटी की पार्क, नॉर्मल सिटी की पार्क में जाके ले सकते हो, बड़े बड़े झूलों में भी। तो जो हिमाचल का एडवेंचर है वो हिमाचल का एडवेंचर ही है गाइस। भाई साहब गुल्लू व्यू इधर ही है, गुल्लू व्यू ऊपर ही है, कितना जाएगा ऊपर, जहाँ पे मंदिर है एक, उसी की बात कर रहे हो ना, जहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, ओके जी ओके, थैंक यू जी थैंक यू। हाँ नहीं, खतरों का खिलाड़ी। भाई साहब रोड देखिए, रोड देखिए, रोड देखिए, ओए होए 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 होए। बाइक बंद हो गई, कितने बजे बाइक की शॉप। ओ भाई साहब, ओए होए 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 होए, ओए होए 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 होए, जो हाइट पे हम लोग चढ़ रहे हैं ना, तो देखिए एक बार। ओ अरे भाई, हम मनो नहीं मनो की पता, भाई साहब जब भी कोई होटल होटल ही है किया के। आगे किया है कुछ अगे, ये ना हो के वापिस आना मुश्किल हो जाए, एडवेंचर करते करते हमारा ही एडवेंचर हो जाए। ओ भाई साहब देखिए, जंगल के बीचों बीच अपना हिमालयन,
ओए ना जा गे बुरा, कुछ ज्यादा ही बुरा फंस गए दोस्तों, अपना ओवरलोड है हिमालयन बिल्कुल। तो उतरना पड़ेगा आई थिंक। हाँ जी क्या करें, तो भाई ऐसा करते हैं कि अपनी बाइक का स्टैंड लगा दे, पहले जे वाली निकालते हैं हिमालयन, उसके बाद निकालेंगे केटीएम। ऑफ ऑफ करके आ जा, गियर डाल दे, ठीक है। ओ भाई जो एडवेंचर हो रहा है ना, सीरियसली। चल तू हैंडल पकड़, मैं पीछे खींचता, छोड़ दो। ओके इसको निकाल, अपना ना स्लिप करा ली तू। नहीं नहीं नहीं, ओ भाई साहब लेने के देने इसे बोलते हैं। ओ शुक्र है। तो जे निकली अपनी हिमालयन घने जंगल में से। ओके जहाँ लेके, ओ तू है हैंडल दूजे पास मोड़ है। हैंडल इधर मोड़ ना, हाँ पूरा मोड़ दे, पूरा कट। अच्छा इधर करनी है। इतने ला, हाँ ला दे ला दे, इतने ला दे, ला परा ला ला ला। ये डीएम होंगी। ओ भाई साहब गिर सकती है जाके जाके, ये बीएम होंगी फिर। रास्ता भटक गए थे वो, जहाँ पे गाड़ियाँ लगी हैं मंदिर के पास, वहाँ से हम आए हैं ऊपर, और रास्ता भटकने की वजह से हमारी हमारी जो बाइक है वो बिल्कुल फंस चुकी थी, आगे रास्ता ही नहीं था बिल्कुल, तो जाते कहाँ से। तो अभी जो है वापस नीचे जाएंगे और गुल्लू भाई की दुकान जो है वो ढूँढेंगे। ओए ओए ओए, अरे 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 अरे, जहाँ पे गिरे तो भाई, ओह लव यू हिमालयन, लव यू। ओह ऊपर चढ़ना थोड़ा सा आसान है, नीचे उतरने की बजाय। ओह बस फाइनली जो है वो कैंपिंग के लिए जो है वो हमें जगह मिल गई है। जो हमारे विजय भाई साहब बैठे हुए हैं बड़े शान से, इन्होंने तो लाई है। चल बस फाइनली जो अपनी बाइक है वो हमने एक अच्छी प्लेस ढूंढ के पार्क कर दी है। ऊपर जाते हैं, ऊपर कैंपिंग शैम्पिंग का जो भी माहौल है वो बनाते हैं। सांस फूल चुकी है और सबसे पहले क्या करेंगे, जो जो अपना कैंपिंग का बैग है नहाएंगे। ओह माय गॉड कितना बड़ा, इसको उठाते हैं कंधों पे, ठीक है। और देख लीजिए कैंपिंग जो है ना, जो कोई का खेल नहीं है। ओह भाई साहब सीरियसली अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। तो गाइस जो टेम्परेचर है वो है -4 degrees। कैंपिंग सेटअप रेडी, फूंके मार मार के जो है वो आग को क्या करते हैं भाई, इसको और तेज करते हैं।